हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल टेक। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि जो भी नए अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वो है वन वे स्विच और टू वे स्विच में डिफरेंट। तो दोस्तों, वन वे स्विच और टू वे स्विच में क्या अंतर, मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लेयर फ्रंट में आपको जो देख रहे होंगे, ये वन वे स्विच और टू वे स्विच के डाय सिम्बॉल्स हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये फ्रंट से है, ये साइड से है और ये बैक से। वन वे से सीधे समझ आ रहा है, इसमें दो टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे आपको। जैसा आप ये देख रहे हो, दो टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे। और ये टू वे स्विच है जिसमें तीन टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे। वन वे स्विच का उपयोग दोस्तों एक लैंप को कंट्रोल करने में किया जाता है। दो भी कर सकते हैं लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक लैंप हाई जलेगा फिर लो जलेगा। टू वे स्विच का उपयोग दोस्तों दो लैंप को कंट्रोल करने में किया जाता है। जैसा कि ये देख रहे हो आप, दो लैंप, जैसे जीने की वायरिंग, गोडाउन वायरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो में डायरेक्टली बता देता हूँ, वीडियो देखिए आप पूरा। जैसा कि आप ये देख रहे हो, वन वे स्विच का डायग्राम आप देख रहे हो। जैसे ये फेस और स्विच जो होता है हमेशा फेज में लगा हुआ होता है, लाइन में। लाइव तार जो होता है उसमें लगा हुआ था, लाइन लाइव जो भी बोलते हैं। ये ब्लैक कलर जो देखते हो अपने, न्यूट्रल है अपना। और कलर कोडिंग पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, कलर कोडिंग जो होती है वो देख लीजिएगा, प्लस माइनस से भी आप पता कर सकते हो। फिर दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो टू वे स्विच है, जैसे आप ये देख रहे हो फेज, ये टू वे स्विच है और ये आपका बल्ब लगा हुआ है, लैम्प। जैसा ये फेज एक जगह आया, फिर ये कनेक्ट हो गया, फिर ये कनेक्ट हो गया, फिर ये कनेक्ट हुआ, फिर ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे इधर बल्ब में और ये न्यूट्रल। जैसा आप ये देख रहे हो, सीधे सीधे सिंपल सिंपल कनेक्शन है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर, चला बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि जो भी नए अपडेट्स है वो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।